अब महात्मा बुद्ध कौन था? ये स्वर्ग लोक से आया हुआ प्राणी था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, राजा का लड़का था। राज भी त्याग दिया क्योंकि वो सुख जो स्वर्ग में है यहाँ की किसी वस्तु में नहीं है, और जो सतलोक में है वो यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है। तो जो प्राणी जहाँ के सुख से कुछ आप प्रभावित होता है तो उसने उस आधार से राज त्याग दिया। तो उस सुख की तलाश में ये निकला घर से स्वयंभू, कोई संत मिला नहीं, अपनी मर्जी से पिछले अभ्यास से पिछले पुण्य के प्रभाव से इसने अपने आप ही हठ योग करना शुरू कर दिया जो ये पहले किया करते हैं। हठ योग करने से इसने आहार भी त्याग दिया, गया के अंदर एक वटवृक्ष के नीचे बैठ कर इसने साधना की महीनों तक। इसके प्राण जाने को हो गए, अस्थि पिंडर सूख गया, एक माई ने इसके मुख के खीर खार लगा दी, धीरे धीरे तो चाटने लग गया। तीसरे दिन इसने आंख खोल दी और फिर पेट भर अन्न खाया। उसके बाद इसने अपना अनुभव सुनाया, वेदों और गीता को आधार नहीं रखा। इसने बना दिया विधान के स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोलवेशन, कि भूखा मरने से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। बस इतना ही विधान पाया इसने इतने दिन डरे ढोकर। अंत में इसने फिर इसके वचनों में इतना प्रभाव था, बहुत से श्रद्धालु इसके अनुयायी बन गए, कई राजा लोग इसके अनुयायी बन गए। अहिंसा मत करो, किसी को दुख ना दो, ये नियम बना दिए। लेकिन जो नियम आत्म कल्याण का था उसके पास था नहीं। इनके वचनों से प्रभावित होकर लाखों व्यक्ति इनके साथ हो लिए, और उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से आध्यात्मिक लाभ ना होने से अब महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने यही मान लिया कि भगवान कहीं नहीं है। पूरा चीन नास्तिक हो गया, विश्व की आधी आबादी लगभग चीन के अंदर बताते हैं, और वो सारा नास्तिक क्योंकि महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। पूरा रूस नास्तिक। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब काल का जहां भी दाव लग गया इसने कसर नहीं छोड़ रखी। अरे देखना भगवान की लीला, अपनी प्यारी आत्माओं को कैसे ग्रहण करेगा। तो परमात्मा आकर के हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें जो मार्ग मिला है और जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है ये कोरा अज्ञान है, और जो साधना की विधि तुमने प्राप्त है ये मोक्षदायक नहीं है। अब ये बातें उस व्यक्ति को कोई कहे जो घर में सुख है, अच्छी कोई पोस्ट प्राप्त है, या कोई और व्यवसाय उसका अच्छा है, और उसको कोई ये कहे कि आप जो साधना कर रहे हो ये ठीक नहीं, तो वो कैसे माने? वो कहता है मेरे तो सारे मौज कर रखी है मैया ने, कोई कह बजरंग बली ने, हम तो उनको पूजते हैं, मेरे सारे ठाठ कर दिए। तो पुण्यात्माओं इन सभी जो अड़चने हैं काल की ये ज्ञान से दूर होंगी, किसी के कथन से नहीं। जो जिस वस्तु को सत मान रहा है उसके सत मानने से नहीं, उसके गुणों से परिचित होने से हम उस परमात्मा को पा सकेंगे। और जिस वस्तु को हम लाभदायक मानते थे और जब हम ज्ञान होगा हमें तो फिर हम उसके गुणों से परिचित होंगे तो तुरंत त्याग देंगे। अपने आत्माओं इस ज्ञान से बात बनेगी, और वो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया है। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर हमरे वियोग को, समझ न सकता कोई।